my YouTube channel, baby. My YouTube channel. नहीं चाहिए इसको पेट भर गया है बस मैं दबा दूँ मेरा के डाइट जगह हाथ धोके खा लो सुन मैं It is going to be a very difficult journey ahead. Hello beautiful people, welcome back to my channel and to yet another vlog. So today is finally the day. We are going to Kerala and 12 o'clock का train है. Almost 20 minutes में train आएगा and then we'll be leaving for Kerala. बहुत कुछ चल रहा है अभी फिलहाल तो तो अभी ट्रेन का शोर एंड जो भी अनाउंसमेंट है उसका शोर की वजह से मैं जो भी बोलूँगी कुछ क्लियरली सुनाई नहीं देने वाला है तो इसलिए लेट्स वेट एंड एक बार ट्रेन बोर्ड कर दूँ उसके बाद आई विल टॉक many complications and I don't know what not we are finally boarded the train and hum log ka train thane se nikal ke panvel ki taraf ja rahi hai means kya hum log ka train 12 o'clock ka tha we reached thane station at 10 o'clock and yahan pe aane ke baad hum log ko pata chala ki like mujhe pehle se pata tha ki dogs are only allowed to go in first class first AC to hum log ne yahan pe aaye and we were trying to book the ticket for the dog बट देन यहाँ पे आके पता चला कि हमारा जो ट्रेन है इस ट्रेन में फर्स्ट एसी है ही नहीं तो डॉग्स को लेके जाना अलाउड नहीं था अलाउड है इसमें डॉग बॉक्स में हाँ डॉग्स को ट्रेन में हमारा जो सेकेंड एसी है उसमें लेके जाना अलाउड नहीं है एंड डॉग बॉक्स है बट ड्यू टू द हीट एंड ह्यूमिडिटी लिटिल पपीज विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव सो उनके लिए भी हम लोग को टिकट नहीं मिला सो बेसिकली हम लोग को डॉग बॉक्स के लिए भी टिकट नहीं मिला अभी हम लोग यहाँ पे अंदर चढ़े हमारा फर्स्ट सेकेंड एसी में भी टिकट था एंड जनरल कंपार्टमेंट में भी टिकट था तो यहाँ पे आने के बाद टीसी आज शिफ्ट इन द जनरल कंपार्टमेंट बिकॉज सेकेंड एसी में अलाउड नहीं था एंड यहाँ पे अभी जो हम लोग हैं ये बोगी पूरा खाली है सो इसलिए वी आर एबल टू ट्रैवल विथ हर राइट नाउ सेटल हो रहा है काफ़ी गर्मी है सो लेट्स सी Sky, oh, is that a monkey baby?
संभाल है स्काई मंकी 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 स्काई को ही देख रही है। ओ माय गॉड, अरे कितना सारा आ गया है। ओ माय गॉड, ट्रेन जर्नीज आर माई फेवरेट एंड गिवन अ चॉइस आई वुड चूज ट्रेन जर्नी लाइक स्पेशली टू केरला ओवर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट दिस टाइम वी आर काइंड ऑफ सर्वाइविंग तो रत्नागिरी तक वी ट्रैवल्ड हियर एंड अभी रत्नागिरी के बाद में जो नया TC आया He gave us a ticket and obviously उसमें हम लोग को फाइन लगा 1,405 रुपीज़ का टिकट मिला है स्काई को थिंकिंग दैट नाउ स्काई कैन ट्रैवल टिल त्रिशूर एंड इवन आफ्टर गेटिंग दैट टिकट शी कैन नॉट गो इन साइड द AC कंपार्टमेंट अगर उसको AC से ट्रैवल करना है शी विल गेट अ टिकट ऑफकोर्स बट वो 4,500 का टिकट होगा ओके सो जस्ट अ क्विक अपडेट इट्स 3:00 लाइक 3 AM इन द मॉर्निंग एंड वी जस्ट reach Udupi station and since we are in the ordinary compartment I don't think going to sleep is a good idea over here and also Sky is also there like she's awake Sky is awake so obviously I can't sleep like one person has to be awake along with us see you too better it is over here right now and we reached Mangalore Junction sky itna der bahut shanti hai and abhi wo bahut zyada active ho gayi hai uska neend ud gaya hai because uska sleeping time sab ho gaya and abhi full ekdam fresh ho ke she is full power mein masti karne ke ready Kerala tab pahunchenge jab we reach Kasaragod and Kasaragod pahunchne ke liye aur 1 ghanta baki hai as of now train 15 minutes before time hai to isliye Mangalore station mein bahut time tak ruk rahi hai मुझे तो लग रहा है स्काई अभी खिड़की से ही चली जाएगी मैंगलुरु जंक्शन में उतर जाएगी बाहर देखे जा रही है स्काई बाय स्काई बाय बाय और एक चीज़ होता है ट्रेन में सब लोग जल्दी जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं एंड हमारा भी खाना अराउंड आई गेस 8:45-9 o'clock के आसपास हो गया था तो अभी ना ज़ोरों की भूख लगी है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड अगर सो गई रहती तो इतना सीन नहीं होता बट मैं सो ही नहीं हूँ अब तक तो मुझे और भी भूख लग रहा है ट्रेन स्टार्टेड टू मूव ट्रेन इज लीविंग हमारा जो दो बड़ा सूटकेस है वो हमारा AC वाला जो कंपार्टमेंट है ना वहाँ पर सीट के नीचे है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत ईटेबल्स है सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट दैट तो मैंने सोचा वैसे इसमें था दोनों सूटकेस बहुत भारी थे तो मैंने जाकर एक सूटकेस वापस रिटर्न जगह पर रख दिया बिकॉज ब्रो आई कांट कैरी बोथ ऑफ देम बिकॉज थोड़ा सा दूर है मेरा जो दूसरा कंपार्टमेंट है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं एंड ऑब्वियसली मैंने फूड वाला जो सूटकेस है वो लिया बिकॉज प्रायोरिटी विच इज Hi, hi my baby. Hi my baby. अच्छा, ये दोनों बेटी नहीं लाया?
मॉर्निंग एवरीवन, वी क्रॉस कासरगोड लॉन्ग बैक एंड एक्चुअली उसके बाद में और दो या तीन स्टेशन भी हो गया है. एज ऑफ नाउ ट्रेन आई गेस इज रनिंग ऑन टाइम या आई थिंक बिफोर टाइम और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर प्रीटी गुड. स्काई इज स्लीपिंग, माय डैड इज स्टिल स्लीपिंग. आई फील वेरी वेरी रिफ्रेश्ड. एंड चेतावर करके कोई तो एक स्टेशन है अभी यहाँ पे, वहाँ से ट्रेन निकल चुकी है. डूड आई एम ऑफिशियली इन केरला एंड इट फील्स ग्रेट, फील्स अमेजिंग. स्काई इज सो ब्यूटिफुल. पूरा रास्ता एवरीथिंग इज वेरी खाली फिलहाल, इतना एक्चुअली उतना ह्यूमिड नहीं है क्लाइमेट, बट ट्रेन से उतर से हमें मुझे ज़्यादा ब्लॉक करने नहीं मिला बिकॉज मेरे हाथ में एक हाथ में स्काई था, दूसरे हाथ में स्काई का क्रेट था एंड डैड वॉज होल्डिंग बोथ द सूटकेस. फिर प्रॉपर चेकिंग्स हो रहा है कार का कि कितना लोग बैठे कार के अंदर उसका सब. एंड अभी तक स्टेशन से घर तक के रास्ते में ऑलरेडी दो जगह पे दो स्पॉट में चेकिंग हो रहा है. Yesterday we almost got thrown out of the train as soon as we got in the train from Mumbai to Kerala. And TC ne hum logo ko seedha seedha bol diya ki we cannot take Sky along with us in the kya bolte hain AC compartment. So the only option we had was to go to the general compartment. Iska ticket hum log second class second or general compartment second class non AC. एंड उसने भी टीसी ने बोल दिया था अगर किसी ने भी कंप्लेन रेज किया अगेंस्ट द डॉग देन वील हैव टू गेट डाउन इन द नेक्स्ट स्टेशन एंड तभी फाइन वाइन भर के कोई फायदा नहीं है, वी विल हैव टू गेट डाउन ऑन द ट्रेन. बट लकीली ट्रेन पूरा एम्प्टी था सो वी गॉट अ होल कंपार्टमेंट टू आर सेल्फ एंड या इट वॉज अ गुड जर्नी. कोई प्रॉब्लम था, स्काई वॉज अ सुपर 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 गुड गर्ल स्काई. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. ये आई थिंक अभी तक मैं से थोड़ा हटके था, हटके आज इन आई वॉज ट्रैवलिंग लाइक प्रॉपर बहुत दिन के बाद ट्रैवल कहने दें ना उधर ही. वी गॉट डाउन एट त्रिशूर स्टेशन बट वहाँ से ना मैं ट्रैवलिंग टू कोडिंगलूर बिकॉज कोडिंगलूर इज वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स स्टे एंड आई स्टे विद देम एवरी टाइम आई कैन टू कम टू केरला. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट कोडिंगलूर पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग कुछ ही देर में घर पहुँचेंगे एंड विल टेक अ गुड शावर एंड देन उसके बाद माइट एज वेल गो टू स्लीप. मैं भी कुछ खा भी लूँगी, कुछ खा लिए फिर सो जाऊँगी एंड देन मुझे कॉलेज का बहुत ज़्यादा डेडलाइंस है, सबमिशन वर्क्स है, तो वो सब करना है. एंड आई एम ऑल्सो डूइंग माई इंटर्नशिप, तो उसका भी थोड़ा बहुत काम है, तो सोकर उठने के बाद वो सब काम भी करना है. तो आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है. एक हफ्ते में आ जाए, एक हफ्ते की बात. ओके बाय. व्हाट हैपेंड बाबा,
है इतना दुखी दुखी हो रहा है। हम लोग पहुंच गए, हम लोग का जो घर है उसका लेन के बाहर है। लेट्स सी आप अपन मम्मी का रिएक्शन क्या होने वाला है। हेलो बॉब्स, कैन यू रिकॉग्नाइज मी? हाय बूची, स्काई Sky, no, no eating dirt. Amma, no, okay. Bye, Papa. Thank you. So we finally made it. We reached. What happened, Sky? It will take some time to, to get used to this new place. It's completely a new state for her. Also one more thing, आज शाम को अराउंड 7 o'clock को my aunt and two of my cousins will be coming, like will be coming to Kerala and we will be quarantining together and 7 days के बाद में we'll be testing and then हम लोग बाहर जाएंगे और meet papa and mama and all. तो तब तक के लिए यहाँ पर ही quarantine होना है and I think that's it for today. Keep rocking, stay safe, subscribe to my channel, like and share this video, comment below what you want to know more about my journey or about Kerala. I will be definitely responding to it either by the comment section or in my next video. Thank you so much for tuning in as always. See you until next time. Peace. My grandmom aka my bochi has bought me this. I think it's some kind of kada or something and it is super hot. Smells very delicious, but she told me, she warned me that it does not taste good, but I have to drink it. Itna dur se travel karke aaya hai to thoda sa safety measures to banta hai. So cheers to that.